देखो जब भी अपने किसी भी काम के लिए लगते हैं ना, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये होता है कि अपने पास अपना लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य तक पहुंचने का अपने पास रास्ता होना चाहिए और मैप होना चाहिए। वो मैप फिजिकल की ट्रेनिंग के साथ में हमें सर ने दिया था। और जब हम यहाँ आए थे तब हम बोल रहे थे सर हमसे बिल्कुल नहीं होगा। सर ने बोला कि करवा मैं लूँगा, बस अपना 100% दे देना। जब भी यहाँ पे आए गिरते पड़ते सर ने ये बोला मंजू फौलाद है तू, लोहे की बनी हुई है, ये सोच ले, उठ जा और भाग ले। जब भी गिरते थे लोहे की बनी है, उठ ले और भाग ले। और सर के कहने पे जितना सर ने बोला ना उतना उतना करते रहे और फाइनली हो गया हमारा। बिल्कुल काफी था, कई बार देखा भी गिरे पहले राष्ट्रपति भी गिरते थे, रनिंग के बाद में एफर्ट पूरा डालते थे, करते जब भी थे पूरा एफर्ट डालते थे। दर्द तो आता है, थकान आती है, उल्टी भी आती है, पेन भी होता है, कई बार गिरा देखा मैंने को, पर परवाह नहीं की। मैंने की ना, मैं सोचा कि सर मैं उठाएंगे, मैं नहीं कोई नहीं उठके भागने, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे लिए, मेरे को लगता था कि सर बोलेंगे बेटा कोई बात ना बैठ जा, पर दो तीन बार जैसे गिरे पड़े पता लग गया अब सर कुछ नहीं कहेंगे, सर को पता है इसको लगेगी ये उठ जाएगी और खुद भाग लेगी। सर ने कुछ नहीं बेटा चलो ठीक है आराम से। कुछ बच्चों को सर फिर भी बोल देते थे कि आप रेस्ट करो, पर मेरे को सर ने कभी नहीं बोला कि आप रेस्ट करो या बैठ जाओ, नहीं बैठी है कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद में बोलते सर चल उठ खड़ी हो और भाग ले। और हम भी सर के कहने पे जितना सर ने बोला उतना उतना वर्क करते रहे। और एक चीज़ ये सबसे इम्पोर्टेंट थी कि जो टाइमिंग थी ना उसकी पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा रखी थी, कि सर ने जितने बजे बुलाया और जब भी बुलाया तब आए थे, जितना लेके गए सर उतना किया वर्कआउट, जितना सर ने दिया उतना पूरा किया ना, तो उस हिसाब से। और हमने वहाँ पे भी यहाँ पे भी एक बार किया था, वो 6:57 पे किया था, 8 मिनट हमें दी हुई थी, 6:57 की मिनट में हमने 1600 मीटर की रनिंग पूरी कर ली। और वहाँ पे भी मैंने 7 मिनट और 8 सेकंड में कंप्लीट कर लिया था। 100 लड़कियों का ग्रुप था, उसमें से 48 लड़कियों का काट के और मैंने फर्स्ट पोजीशन वहाँ पे ली थी। ऐसे लम्हे ऐसी तारीखें याद आएगी आपकी भी, मैं बता रहा था तारीखें याद आती है, कल 24 तारीख याद आएगी, 24 जनवरी थी, आज 25 जन के लिए इनका वहाँ पे था, पहले था फिजिकल तो अच्छा 19 जनवरी तारीख दिन की, तो ऐसी तारीखें याद होती है, बंदा याद रखता है, ज्वाइनिंग तारीख और याद आ जाएगी। तो ऐसे लम्हों को याद करने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आसानी से वो तारीखें वो समय नहीं आएगा, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, विल पावर रखनी पड़ेगी, समर्पण दिखाना पड़ेगा ट्रेनिंग के प्रति, चाहे वो पढ़ाई है चाहे वो ग्राउंड का वर्क है, दोनों चीज़ है। आज की जॉब है दोनों चीज़ एक साथ मांगती है, अकेली पढ़ाई से कुछ नहीं होगा और अकेले फिजिकल से कुछ भी नहीं होगा, तो दोनों सिमिलर योग होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में मुकेश जी हमारे, इनका सहयोग रहा है इस बैच में बहुत ज़्यादा। और मुकेश जी कुछ कहना चाहो ट्रेनिंग के बारे में? फाइनली मंजू को कॉन्ग्रेचुलेशन, जो इतनी मेहनत की और आज इस मुकाम तक पहुँचे। और मंजू ने एक दिन मेरे से पूछा सर मतलब आप ट्रेनिंग कराते तो उस टाइम दुख दर्द नहीं होता क्या? तो मैं इनको एक ही बात बोलता, दुख दम दर्द दया धर्म हम गेट के बाहर ही रख के आते हैं, चार गेट है चारों के बाहर छोड़ के आ जाते हैं। तो सर बोला मतलब इतना आप फिर भी सहन कर लेते हो, आपको दर्द नहीं होता, आप देख कैसे लेते हो, हमें भी पता है कि आपके दर्द होते हैं लेकिन हम ये चीज़ सहन करने लग जाएंगे तो शायद ही हम ट्रेनिंग करा पाएं। तो ये दर्द सहन करना पड़ता है, ये दर्द यहाँ पे आते ही जब मिठाई लेके आते हो तो सब दर्द भूल जाते हो। तो सभी को बेस्ट विशेज है नेक्स्ट जो भी आपका टारगेट है। और उल्टफेर हर जगह होते हैं, उल्टफेर उम्मीद से बढ़कर हमेशा बोलता हूँ, दो तीन बंदे ऐसे आएंगे जिनकी उम्मीद ही नहीं होगी वो करके आ जाएंगे, और कई ऐसे बहुत ज्यादा उम्मीद होती है हमसे वो कर ही नहीं पाते। कल उठ फिर